हरियाणा में पंचायती चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में गांवों की राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। वर्तमान सरपंच तथा मेंबर्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। पानीपत की बड़ोली ग्राम पंचायत के सरपंच पर ग्रामीणों ने मनरेगा के अंतर्गत मनमाने ढंग से लिस्ट बनाने व मनरेगा के पैसे खुर्द बुर्द करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों ने मनरेगा योजना के तहत काम किया उनकी जगह सरपंच ने अपने चहेतों का नाम लिस्ट में चढ़ाकर मनरेगा से आए पैसों की बंदरबांट की है। असली मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को काम करने के बावजूद भी पैसे नहीं मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि काफ़ी संख्या में महिलाओं का हक मारा गया है, उन्हें भी उनकी मजदूरी नहीं दी गई। मनरेगा घोटाले के बारे में शिकायत देने के लिए आज बड़ोली ग्रामवासी पानीपत पहुंचे व उच्च अधिकारियों से मिले। उससे पहले उन्होंने सांकेतिक प्रदर्शन किया व सरपंच के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने मनरेगा की मजदूरी के तहत आए लाखों रुपयों को खुर्द बुर्द किया है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने के बाद बड़ोली गाँव के ग्रामीणों ने पूरे मामले की जाँच की मांग की है। और फिर जी दिहाड़ी लग रही मेरे 200 करीब दी, 200 तो उपर उपर आ। फिर जी तुम्हें बोले के इतने पैसे भाई 200 हाजरिया का होगा थरा, और दिहाड़िया का कवा जी 90 का होगा। ईवन 90 खुदाई के दे रखे जी, जिस तरह मपाई के 90 तो उपर उपर बढ़े, बाकी दिहाड़ी लग रही जी 200 तो उपर उपर है। और रुपया रे 23,000 बनते कितने रुपये तो जी बतेरे बनाई, आप हिसाब ला लो जितने आपके हिसाब से कितने बनते हैं। आपको क्या कितना रुपए दिहाड़ी के 80 के हिसाब से, और ये इस तरह अप्रैल है 309 रुपये के हिसाब से। अच्छा जी, ये गांव बड़ोली से सारी औरतें आई है मेरे गांव से जिन्होंने मनरेगा के तहत काम किया है। ये 2019 में काम करने लगी थी, अरे इन्होंने दिन रात मेहनत किया है। जो मेहनत करने वाली कुल ये 100-125 औरत है जिन्होंने मेहनत किया है। तो सरपंच ने 400-450 आदमियों की दिहाड़ी चढ़ा दी अपने छतों की, जिन्होंने काम नहीं किया। काम करने वाली ये थी, चैतों को उन्होंने वो कर दिया। फिर दूसरा इनका तसला कसी कुरपा जो था इन्होंने अपने पैसों का लिया, तो सरपंच ने उसमें भी 2.5-3 लाख रुपए का अपना सामान चढ़ा दिया। फिर जो इनके मनरेगा का पैसा आया है उसके जो इनके खाते में डालना था इनके खाते में ना डाल के उन्होंने अपने चैतों के खाते में डाल दिया। तो उसमें ये गाँव की जो औरत है इनके पैसे नहीं आए, तो इसके इनके साथ सभी गाँववासी इनके साथ यहाँ पहुँचे हैं, इनको इनके हक दिलाने के लिए सभी गांववासी इनके साथ है। इनको इनका मजदूरी मिली ये हमारे सुनने में 18 लाख के करीब, जो कि ये 100-125 औरतें हैं इनके खाते में मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए गया हुआ, तो 16 लाख रुपए का ये घोटाला जो हमारे सुनने में आया है। सरपंच का नाम प्रेमरंगा है जी, चाहता है बलकार वाल्मीकि, जो इन्हें धक्के से दिहाड़ी पे मान ले जा के जबरदस्ती अब ये मजदूरी मांगने जाते हैं तो इनको धमकाते हैं। तो आज भी मान लें में से 10-5 कम किया उन्होंने, बोले भाई जो उधर चले गए तो हम जो भी है अपना कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अभी आप लोग की साहब को मिलने के लिए आया जी, घोटाला है बड़ोली गाँव के अंदर, और हमने 2-4 दिन से पता लगा है जी, उसने मछली बेची है तालाब की रात को, भैया तो चोरी करके आया और मशीन पकड़ी है तालाब में खोदी हुई मछली, जो जिस जुमसिया ने काम करे उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा, जिन जने काम करे उनको पैसे मिल गए। उनको मौके में देखा जाए भाई ने मल्टी खोद दी है अगर नहीं खोद दी है, आपको चेहरा बता देगा भाई ये काम करने वाली है अगर नहीं करने वाली है, इनको मौके पर इंसाफ दिलवा दे। क्या मांग? हम तो ये मांग रखा है कि मजदूरों ने मजदूरी करके जब पैसे मिला और उसको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पैसे रणधीर